वेल्ड में जो मिनिमम एरिया रहता है, मिनिमम एरिया मतलब वो एरिया जहां पे वो वेल्ड टूटेगा, यानी अगर कोई दो प्लेट्स है और उनको हम लोगों ने अगर वेल्ड किया तो उसमें मिनिमम एरिया वही रहेगा जहां से वो वेल्ड टूटेगा, बिकॉज फेलियर विल ऑलवेज टेक प्लेस एट द मिनिमम एरिया। तो वो मिनिमम एरिया किधर पे रहता है, जहां पे वेल्ड में थिकनेस मिनिमम है, और उस मिनिमम थिकनेस को हम लोग बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस हो गया मिनिमम थिकनेस वेल्ड में, और जो एरिया रहेगा उसको बोलेंगे थ्रोट एरिया। तो ये चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है कि एक वेल्ड हमेशा थ्रोट थिकनेस पे या फिर मिनिमम एरिया पे ही फेल होता है, और ये थ्रोट थिकनेस का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 0.707 इंटू एस, एस यानी प्लेट की थिकनेस।